One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. साल के बाद चुनाव छात्रों में बहुत उत्साह है और सभी वोट के लिए आने के लिए तैयार हैं और जितने भी संगठन हैं पूरी जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे हैं और सभी लिंगदो समिति के अंदर चुनाव हो रहे हैं और सभी जो छात्र हैं वो कॉलेज प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग दे रहे हैं और छात्र बहुत ही अनुशासन में चुनाव करवाने का ये वादा किया है हमसे कि हम पूरे अनुशासन में रहेंगे। कोष अध्यक्ष के लिए खड़ी हूँ और एएपी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और स्नातक जीतने के एएपी की होगी। ये सारे विद्यार्थी हमारे साथ लगे हुए हैं और नोएडा में भी बीजेपी जीती है। चौहान मैं माता जी के पद के लिए अधिकारी हूँ एबीपी की तरफ से और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बस यही विनती करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और सभी भाई और बहनों से मैं विनती हाथ जोड़ के करता हूँ कि सभी यहाँ पे आए और वोट का अपना अपने अमूल्य वोट का योगदान दें। यहाँ पे वही जीते चाहे वो किसी पार्टी से हो या निर्दलीय। देखिए अब से पहले अब आज की डेट में कॉलेज राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। आज से पहले ना यहाँ कोई नेता आता था छात्रों की समस्या के लिए, ना यहाँ कोई अधिकारी आता था। आज नेता भी आ रहे हैं अपनी पार्टियों को सपोर्ट करने और अधिकारी भी आ रहे हैं अपनी पार्टियों को सपोर्ट करने। इसमें छात्रों में बड़ा उत्साह है चुनाव के लिए और यह पहली बार हमारी सरकार ने यह चुनाव आयोजित किया है
यहाँ पर और छात्रों में बड़ी रुचि ले के साथ लोग प्रचार कर रहे हैं अपने अपने दलों के साथ, अपने अपने छात्रों के साथ मिलकर। और यह छात्र संघ का चुनाव पूरा शांति से संपन्न होगा और लगभग हमारे महाविद्यालय में 3102 छात्र हैं इस समय, जो 3102 वोटर हैं इस समय महाविद्यालय में। और महाविद्यालय प्रशासन की पूरी मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसमें उम्मीदवार करीब 18 उम्मीदवार हैं और करीब करीब 6 उम्मीदवार छात्रा के रूप में हैं। 18 कुल टोटल उम्मीदवार 18 हैं प्रत्याशी। हम SSP महोदय से, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी महोदय से बहुत मिले, व्यक्तिगत रूप से मिले और हम पूरा प्रशासन का, हमें पूरा प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। हमारे साथ सभी पुलिस अधिकारी एवं जिला अधिकारी महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और ASP महोदय, सभी हमारे ने बड़ी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था कर रखी है। हम एक एक छात्र को आई कार्ड और रसीद के साथ अंदर गेट से लाएंगे और उसे उक्त स्थान पर जहां वोट उसका होगा वहां पर बूथ पर भेजेंगे उसको। और क्योंकि हमने अब भी अपील की छात्रों से कि वो शांति से वोट डालें और महाविद्यालय प्रशासन छोड़ अब उस वोट डालने के बाद चले जाएँ।